हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के 982 पद और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के 330 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास, 12वीं पास या फिर ITI पास होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उम्मीदवार शारीरिक योग्यता को पुरुष और महिला हेतु जो इस कॉलम में दर्शाया गया है उस योग्यता को जो उम्मीदवार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 19 सितंबर 2022 को 18 वर्ष और अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 25 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 28 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क, सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को ₹100 आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति BSF में कार्यरत कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान, उम्मीदवार को पे मैट्रिक्स स्तर 4 सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है केरला पब्लिक सर्विस मिशन। विज्ञापन संख्या है 306 से लेकर 348/2022। पदों की कुल संख्या 109। पदों का विवरण है, लेक्चरर के 2 पद, मेडिकल ऑफिसर के 2 पद, जूनियर मैनेजर का 1 पद, रिपोर्टर के 3 पद, ट्रांसलेटर मलयालम के 3 पद, कैटलॉग असिस्टेंट के 2 पद, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 2 पद, टेक्निकल असिस्टेंट का 1 पद, परचेज असिस्टेंट का 1 पद, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक का 1 पद, इलेक्ट्रिशियन के 8 पद। इलेक्ट्रिशियन जो पद ट्रांसफर बेसिस पे भरे जाने हैं, पदों की संख्या है 3। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के 2 पद, ओवरसीर ग्रेड 2 के 2 पद, फील्ड ऑफिसर के 3 पद, ड्रेसिंग नर्सिंग असिस्टेंट के 2 पद, लैब टेक्नीशियन का 1 पद, स्विंग अध्यापक का 1 पद, इलेक्ट्रिशियन का 1 पद, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के 3 पद, जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर के 27 पद, लिपिक टाइपिस्ट के 3 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पद, एग्रीकल्चर ऑफिसर के 17 पद, जूनियर इंस्ट्रक्टर का 1 पद, सुपरवाइजर का 1 पद, क्लिनिकल ऑडियोमेट्रिशियन के 1 पद, बोट सारंग का 3 पद,
हाई स्कूल अध्यापक के 2 पद, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का 1 पद, लाइनमैन का 1 पद और विलेज फील्ड असिस्टेंट के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयों से पूर्ण करते हों, वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पद के अनुसार निर्धारित की गई है। पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को पद के अनुसार देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हमें मैसेज कीजिए, आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।